हेलो एवरीबडी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज शेयर व्हाट आर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शेयर क्या होता है इक्विटी शेयर्स क्या होता है एंड प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होते हैं ओके तो पहले हम लोग समझते हैं कि शेयर क्या होता है शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एक्सेप्ट वेरा डिस्टिंगशन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस और एम्प्लाइड कोई भी कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसका जो शेयर होता है उसे ही शेयर कहते हैं मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल जो है वो वन करोड़ का है ओके अब इस वन करोड़ में एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने अपना दस लाख रुपया लगाया है तो ये ये जो इन्वेस्टर है जिसने अपना दस लाख रुपया लगाया है ये इसका शेयर है इसे ही हम लोग शेयर बोलते हैं ओके सेकेंड पैरा

equity share is one of the most widely used terms in the stock market and also known as ordinary shares these are the main source of capital for an organization in fact they are the most common type share used to the public when you invest in equity shares you become a fractional owner of the company as an owner of equity shares you have the right to vote in the annual general meeting of a company or firm

उसका इक्विटी शेयर ही होता है कंपनी जो है वो कैपिटल किस तरह से रेज करती है कंपनी फर्स्ट क्या करती है कि जो इक्विटी शेयर होता है वो पब्लिक को इश्यू करती है पब्लिक क्या करती है वो शेयर को परचेस करता है जिससे कि कंपनी का कैपिटल रेज हो जाता है ओके okay. ये जो इक्विटी शेयर है ये स्टॉक मार्केट में आप में से कुछ लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते ही होंगे तो स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी शेयर है वो काफ़ी इक्विटी शेयर वर्ड जो है काफी यूज होता है इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग भी होता है ओके okay. और uh, कोई भी व्यक्ति जो कि इक्विटी शेयर परचेस करता है वो क्या हो जाता है वो फ्रैक्शनल ओनर उस कंपनी का हो जाता है ओके वैन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर यू बिकम अ फ्रैक्शनल ओनर ऑफ द कंपनी कोई भी व्यक्ति जो कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर परचेस कर रहा है तो वो उस कंपनी का क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल ओनर हो जाएगा ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी ओके एज एन ओनर ऑफ इक्विटी शेयर अब जब वो ऑनर बन जा रहा है इक्विटी शेयर का ऑनर हो जा रहा है कंपनी का तो उसका क्या हो जा रहा है राइट right मिल रहा है वोट करने का एनुअल जनरल मीटिंग में ओके okay. और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिलता है लेकिन डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है ओके okay. अब आते हैं प्रिफरेंस शेयर क्या होता है इसे समझते हैं प्रिफरेंस शेयर आर डिफाइन एज दो शेयर विच आर गिवेन प्रायोरिटी ओवर अदर इक्विटी शेयर इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर आर डिफाइन एज दो शेयर प्रिफरेंस शेयर उस शेयर को कहते हैं विच आर गिवेन प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड मान लीजिए कोई कोई एक कंपनी है वो डिविडेंड दे रही है तो पहले वो डिविडेंड किससे देगी पहले वो डिविडन अपने प्रिफरेंस शेयर होल्डर को देगी बाद में जाकर वो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे तो पहला जो डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है उसके बाद जो डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है ओके दिस मीन्स डैट अ कंपनी हैज़ टू पे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फर्स्ट एंड देन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ओके इन केस अ कंपनी इज वाइंडिंग अप द फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फर्स्ट एंड देन टू इक्विटी शेयर होल्डर मान लीजिए जो कंपनी है वो वाइंडिंग अप हो रही है मीन्स आपका वो क्लोज हो रही है इन डेट केस क्या होगा होल्डर को पेमेंट पह, पहले किया जाएगा बाद में को किया जाएगा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर प्रिफरेंस शेयर होल्डर जो है डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स होता है ओके okay. कोई भी व्यक्ति जो प्रिफरेंस शेयर परचेस करता है तो कंपनी उसे जो है डिविडेंड जो है कंपनी को क्या करना पड़ता है डिविडेंड उसे प्रत्येक साल देना पड़ता है बस हर तक कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे या बुरा करे कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी जो है वो प्रीफरेंसर होल्डर को डिविडेंड देगी और डिविडेंड का जो रेट है वो भी फिक्स होगा ओके okay. आप समझते हैं कि इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है इक्विटी शेयर बेसिकली रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑनरशिप वेयर इच शेयर होल्डर बिकम अ फ्रैक्शनल ओनर ऑफ द इशुंग कंपनी इक्विटी शेयर क्या होता है इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कंपनी का एक पार्ट फ्रैक्शनल ओनर होते हैं ओके इक्विटी शेयर्स बेसिकली रिप्रेजेंट अ पार्ट ओनरशिप वेर ईज शेयर होल्डर बिकम्स अ फ्रैक्शनल ओनर ऑफ द इशूइंग कंपनी ओके इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल ओनर होते हैं उस कंपनी का ओके प्रेफरेंस शेयर Are as those share. Share उस शेयर को बोलते हैंडर जो है, में दिया जाता है कोई भी कंपनी जो डिविडेंट दे रही है तो वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पहले देगी बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को देगी ओके सेकेंड पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर आर एलिजिबल टू रिस बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिलेगा ओके इक्विटी शेयर होल्डर एलिजिबल होता है कि वो उसे बोनस मिले ओके ऑन द अदर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो बोनस शेयर के लिए एलिजिबल नहीं होता है इक्विटी शेयर्स आर द रेगुलर शेयर्स ऑफ द कंपनी विच आर ऑफर टू रेज फंड अगेंस्ट पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी इक्विटी शेयर जो होता है वो कंपनी का रेगुलर शेयर होता है और विच आर ऑफर टू रेज फंड अगेंस्ट पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी और इसके थ्रू जो है कंपनी जो है अपना कैपिटल को रेज करती है ओके okay. कंपनी क्या करती है कंपनी जो है इक्विटी शेयर जो है मार्केट में इश्यू करती है मार्केट में जो इन्वेस्टर या ट्रेडर जो बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं इक्विटी शेयर को परचेस करते हैं अब परचेस करने से कंपनी का क्या होता है शेयर का प्राइस बढ़ता है एंड कंपनी का कैपिटल भी इंक्रीज होता है ओके प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर अ फिक्स रिटर्न ओवर द कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव प्रशियली बेनिफिट ओवर इक्विटी शेयर एट टाइम ऑफ डिविडेंड पेमेंट प्रीफ्रेंस शेयर में क्या होता है ऑफ़र है फिक्स रिटर्न प्रीफ्रेंस शेयर जो है वो फिक्स रिटर्न जो है ऑफ़र देती है ओके okay. कोई भी व्यक्ति जो प्रेफ्रेंस शेयर परचेस करता है उसे कंपनी जो है ये ऑफर करती है कि आप अगर हमारा प्रिफ्रेंस शेयर अगर परचेस करते हैं तो आपको जो डिविडेंड है वो फ़िक्स दिया जाएगा आपका डिविडन का रेट भी वो फिक्स कर देती है ओके okay.

कंपनी इज ऑबलाइज टू पे डिविडेंड टू दिस शेयर होल्डर यहां पर जो है कंपनी ऑबलाइज होती है कि वो अपने प्रिफरेंस एयर होल्डर को डिविडेंड देगीकेविडेंड okay. जो भी है वो पहले प्रिफरेंस एयर होल्डर को मिलता है उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पॉइंट फाइव रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लैक्चुएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट आप मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है या कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उस उसी को देख के कंपनी क्या करती है डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर को देती है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लैक्चुएट करता है इक्विटी शेयर में ओके कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ा के कंपनी दे देती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को अगर नहीं कर पा रही है तो कम में देती है या फिर नहीं भी देती है ओके लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रिफ्रेंट शेयर में क्या होता है दिस शेयर होल्डर इंजॉय द डिविडेंड एट ए फिक्स रेट इन रेस्पेक्टिव द कंपनी परफॉर्मेंस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा भी हो बस अतः कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे कंपनी को जो है अपने प्रिफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है और रेट ऑफ जो होता है रेट ऑफ डिविडेंड भी वहाँ पर फिक्स होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट इन क्रोशियल डिसीजन ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट right मिलता है ओके okay. ऑन द ऑदर हैंड प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर डो नाट है वोटिंग राइट इन द कंपनी डिसीज़न प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट right नहीं होता है कंपनी डिसीजन पर ओके प्रिफ्रेंस एयर होल्डर जो है वो वोट नहीं करते हैं कंपनी की डिसीजन में ऑन द ऑदर हैंड इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट right है गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रीफरेंस शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो सॉरी इक्विटी शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है अगर कोई भी व्यक्ति जो है वह इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए फाइव ईयर्स के लिए फिर मोर देन फाइव ईयर्स के लिए तो रिटर्न जो है बहुत अच्छा आता है इक्विटी शेयर में ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर क्या है गुड फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर भी मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइवल टू रिसीव डिविडेंड एरियर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड एरिया नहीं मिलता है ऑन द अदर हैंड हैथ मोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द शेयर होल्डर्स आर लाइवल टू रिसीव डिविडेंड एरियर यहाँ पे प्रिफरेंस शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड एरियर मिलता है ओके इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड एरियर नहीं मिलता है ऑन द अदर हैंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड एरियर जो है वो मिलता है दे आर द लाइवल टू रिसीव डिविडन एरियर्स इक्विटी शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इक्विटी शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता सम टाइम सम टाइप ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैन भी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर कुछ टाइप के जो शेयर है जिसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी शेयर इज हायर इक्विटी शेयर में जो रिस्क है वो काफी हाई होता है ऑन द अदर हैंड रिस्क एसोसिएटेड विद प्रिफरेंस शेयर इज लेस देन एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर शेयरेंस शेयर रिस्क एसोसिएटेड विद प्रिफरेंस शेयर इज लेस एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर के कंपेरिजन में प्रिफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट अगर कोई व्यक्ति करता है तो वहां पर रिस्क कम होता है तो प्रिफरेंस शेयर में रिस्क कम है एज कम्पेयरजन टू इक्विटी शेयर ओके इक्विटी शेयर हाई रिक्स है प्रीफ्रेंस शेयर एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर लेस रिक्स है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका पी डी एफ फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय